देखिए, जब आप अपने फोन में MI के कोई से भी फोन में वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद लिखकर आता है कुडंट कनेक्ट ट्राई अगेन या फिर कुड नॉट कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क, इस तरीके का आपको एरर आता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सही करें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ लिखकर आ रहा है चेक पासवर्ड एंड ट्राई अगेन, इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चले जाना है फ़ोन की सेटिंग्स में। तो हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो डरना नहीं है, यहाँ पर आपका कोई भी फ़ोन का डेटा, वीडियो, फोटोज़ कुछ भी डिलीट नहीं होंगी। यहाँ पर आपकी जो भी नेटवर्क सेटिंग्स गलत हो गई होगी वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी और वो सही हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर आप रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से आपका पासवर्ड पूछेगा, आपको आपका पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद आपका वाईफाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स में आइए और आप अपने वाईफाई में आ जाइए। यहाँ पर देखिए, हो सकता है कभी कभी ना आपका पासवर्ड ही गलत हो, तो आप एक बार अपना पासवर्ड चेक कर लें, कहीं आप पासवर्ड तो गलत नहीं डाल रहे, ठीक है। तो अभी आपको इसे फॉरगेट कर देना है पहले, अभी भी वही एरर आ रहा है, तो आपको इसे फॉरगेट कर देना है, ओके। अब यहाँ पर आपको वाईफाई पे टैप करना है और यहाँ पर पासवर्ड आपका जो है डालना है। आप अपना पासवर्ड याद रखें, गलत ना डालें, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको आपका पासवर्ड नहीं पता है तो आप क्या करिए, इसमें लॉगिन पेज में जाके पता कर सकते हैं आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।